सो जो आप पेपर देने वाले हो 28 अप्रैल को WBG 2024, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए सो डेट आपका आउटपुट परफेक्ट आ सके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ कंप्लीट देखो। मैं बताऊंगा कि हाँ जी इसमें इतना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, आपका जो कैटेगरी ए है बी है सी कैसे फ्लो चार्ट में मूव करे एंड कितना टाइम इन्वेस्ट करे, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, टाइम काफ़ी लिमिटेड है, तो सही तरह से आपको मतलब अप्रोच आना चाहिए कि हाँ जी इस अप्रोच से क्वेश्चंस को सॉल्व करें हम। बाकी जो बच्चे पहली बार चैनल पर है तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ऐसे कई सारे कंटेंट आपके लिए आते रहेंगे टेल योर फाइनल एडमिशन, तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर करना है, शेयर भी करना है। बाकी डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी मौजूद है, आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर लो, हर एक अपडेट WBG का आपको देते रहेंगे उसमें ही। स्टिल अभी तक मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं किए हो तो आज ही ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोगों ने ऐड कर रखे हैं। सो मेरा सेशन ये रहेगा कि पहले आपको कैटेगरी बी अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है, ये मेरा सजेशन है। बाकी आप चाहो तो आपका जो भी फॉलो करते आ रहे हो पहले से मतलब वो कर सकते हो, बाकी जो पता है ना कि हाँ कैसे करना चाहिए तो आप ये सजेशन ले सकते हो मेरा, ठीक है। तो पहले कैटेगरी बी आपको अटेम्प्ट करना चाहिए एंड इसमें आपको 20 से 25 मिनट इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, 2 नंबर का है एंड नेगेटिव मार्किंग भी है, तो पहले इसको अटेम्प्ट कर लो, फ्रेश माइंड आपका रहता है, ठीक है। इसके बाद कैटेगरी आप ए में जंप मारो एंड यहाँ पर 1 घंटा 15 मिनट, मतलब मैं ये नहीं बोला कि 1 घंटा 15 मिनट इन्वेस्ट करना है, मतलब आपका जो क्लॉक है, क्लॉक का जो ड्यूरेशन है कि 25 मिनट हुआ, 1 घंटा 15 मिनट ख़त्म हो गया, ठीक, एग्ज़ाम होत का, तो मैं उसका बात कर रहा हूँ, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट तक आपको कैटेगरी ए गो थ्रू कर लेना है, मतलब जो जो आता हो सबको विजिट कर लेना है, ठीक है। मैं कुछ और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, पूरा वीडियो देखो, आधा अधूरा मत देखा करो, ठीक है। इसे करने के बाद आपको सी करना है, कैटेगरी सी करना है एंड इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट 15 मिनट, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट, यानी कि मान के चलो इसमें 1 आवर 30 मिनट्स आपका यहाँ तक सीन हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आपको फिर से कैटेगरी बी जाना है एंड जिन जो बी में नहीं कर पाए थे उसको विजिट करना है, तो वहाँ पर आपको बस और 10 मिनट टाइम देना है, तो आपका यहाँ पर हो गया 1 घंटा 40 मिनट, ठीक है। अब देन आपको ए में जाना है जो आप ए में नहीं कर पाए थे, तो यहाँ पर आपका 2 घंटा ख़त्म हो चुका। ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं कैटेगरी सी को रिविजिट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको कैटेगरी सी को रिविजिट नहीं करना, क्योंकि कैटेगरी सी पहला बात नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आप एक बार ही दो 15 मिनट तो इनफ है, तो यहाँ पर 15 मिनट से ज़्यादा टाइम देने का कोई मतलब नहीं बनता है, सच बता रहा हूँ, ठीक है। टाइम इन्वेस्ट मैक्सिमम आप बी में दीजिए, ए में दीजिए। अब कैसे करना चाहिए पहले समझो ये बात को, सपोज आप बी कर रहे हो तो पहले एक बार में देख लो कैटेगरी बी को कि अच्छा हाँ ऐसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, तो एक अलग से वाइट स्पेस में लिख लो कि हाँ मुझे ये अटेम्प्ट करना है। लाइक सपोज आपसे गोल कर दो कि हाँ ये मुझे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, ऐसे टिक मार्क कर दो कि हाँ मुझे यही अटेम्प्ट करना है फर्स्ट गो थ्रू में, देन जब ए में मूव करोगे तो हाँ वो टिक 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 रख लो कि अच्छा मुझे ये अटेम्प्ट करना है, ये अटेम्प्ट करना है, ये अटेम्प्ट, ये अटेम्प्ट, ये अटेम्प्ट, ये अटेम्प्ट मुझे करना है, ठीक है। सी आप एक बार ही देख रहे हो एंड देन जो बी में देखे थे कि अच्छा ये थोड़ा टफ था, सपोज़ आप जब बी गो थ्रू कर रहे थे ना तो जो लाइक टफ लग रहा था उसको उसके आगे टी लिख दो, ये सपोज क्रॉस ही लिख दो, खाई तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा, मतलब कर ही नहीं पाऊँगा, ठीक है, ताकि आप जब रिविजिट करोगे तो फिर से पढ़ना ना पड़े। तो कोई सपोज क्वेश्चन नंबर है आपका 55, तो उधर 55 क्या कैसे कर दो, मतलब करना ही नहीं है। सपोज़ आप 57 एक क्वेश्चन है जो कि आपका मॉडरेट है, आपको लगता है कि हाँ मैं कर लूँगा बट टाइम लगेगा, मतलब मुझे फिर से रिविजिट करना पड़ सकता है, तो उसका कि तुम एम लिख दो मॉडरेट है और जो इजी है उसको संग संग निपटा डालो, कुछ ऐसे करना है। तो ये हर एक चीज़ में करना, आपको एम भी करना है जब आप ए विजिट करोगे, ठीक है, लाइक ये 3 टफ है नहीं करूँगा, 6 टफ है नहीं करूँगा, तो क्वेश्चन जो है उसका अब भी क्रॉस कर देना पेन से, ठीक है, आपको क्वेश्चन पर रहता है ना तो क्रॉस कर देना, 10 टफ है नहीं करूँगा, अच्छा 12 मॉडरेट, हाँ तो ये मैं बाद में जब रिविजिट करूँगा, लेकिन यहाँ पर देखो कर रहे हो ना रिविजिट तो उस वक्त में करूँगा। अब सब एम एम मत लिख देना, मतलब कुछ कुछ ये भी करना, ठीक है, 17 मॉडरेट में वो करूँगा। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हो जाता है, बच्चा क्या सोचता है कि मैं हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा, कुछ कुछ एग्जामिनर जानबूझ करके इजी क्वेश्चन को लेंथी बना देता है, तो उसको आपको अटेम्प्ट नहीं करना। सपोज क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, बहुत ईजी है,
बहुत ईजी है, बट लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये जानबूझकर दिया जाता है स्टूडेंट बच्चा इस ट्रैप में फंस जाए। तो मेरा यह सेशन यही रहेगा कि भले ही वो देखने में ईजी लग रहा है बट वो लेंदी है, तो उसको स्किप कर देना है, करना ही नहीं है उसको। तो ये सब आपको आना चाहिए, यहाँ पर ही रैंक डिफरेंस आपको क्रिएट हो जाता है कि जो अच्छा परफॉर्मर है वही समझ में आएगा अच्छा मुझे ये करना है ये नहीं करना है। तो ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन ईजी में उसको भी किए ही जा रहा हो, किए ही जा रहा हो, 10 मिनट लगा दिया एक नंबर के लिए, वो बेवकूफ़ी होगा जो एक नंबर के लिए 10 मिनट लगा दे रहा है। मतलब आपको लग रहा है काफ़ी ईजी है, ईजी तो करते रहो, ऐसा नहीं करना, ये ट्रैप है एक्चुअली, ये आपका ट्रैप है कि इजी क्वेश्चन को लेंथी बना दिया जाता है, सूर्य बच्चा ट्रैप में फंस जाए। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, मैं जो ऑर्डर बताया प्लीज़ नोट कर लो वीडियो थोड़ा पीछे करके, एंड वही ऑर्डर फॉलो करना है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया मतलब कुछ अगर डाउट है, कुछ भी डाउट, आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप के माध्यम से कमेंट कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, तो जाओ कॉन्टैक्ट कर लो। एंड मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं किए हो आप आज ही मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऐड कर रखा है जो इस साल पूछा जा सकता है WBG में। तो मेक श्योर आपको वो उसमें एनरोल जरूर करना है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए।